हमारे संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका जी और सभी प्रवक्ता साथियों के साथ मैं आप सबका इसमें पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। मैं जिस विषय पर आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो इन दिनों मीडिया का प्रिय विषय बना हुआ है, महादेव ऐप। बावजूद इसके कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफलतापूर्वक चुनाव से मीडिया का ध्यान भटकाने में सफलता पाई है और सारे टीवी चैनलों को, अखबारों को एक ऐसे विषय में व्यस्त कर दिया है जो दरअसल चुनाव के बीच विषय होना ही नहीं चाहिए था। तो महादेव ऐप के थोड़े थोड़े मैं बैकग्राउंड से आपकी बात शुरू करता हूं कि इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू की थी, ये आपको सबको पता है। कुल मिलाकर जो है 72 मामले छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए थे और 449 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 449, 191 लैपटॉप जब्त किए गए, 865 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं और 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है और 16 करोड़ रुपए के ऐसे बैंक खाते जब्त किए गए हैं जिनका महादेव ऐप से लेना देना दिख रहा था। ईडी जब जांच शुरू करती है तो उसकी एक मजबूरी होती है या एक कानून बना हुआ है कि कोई अपराध पहले दर्ज होगा तभी वो जांच कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप पर जो मामला दर्ज किया उसके आधार पर जो है वो ईडी ने जांच शुरू की। अगर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर नहीं की होती या 72 मामले दर्ज नहीं होते तो ईडी जांच नहीं कर सकती थी। ईडी ने उसके आधार पर जांच शुरू की और बहुत दिलचस्प है कि INB मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस रिलीज आती है उसमें कहते हैं कि ईडी की तरफ से महादेव ऐप को बैन करने के हमारे पास अनुरोध आया था और किसी का अनुरोध नहीं आया। ईडी ने जानबूझकर इस तथ्य को अनदेखा किया कि 12 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ की रायपुर की साइबर सेल ने गूगल को पत्र लिखा कि इस देश में सट्टाबाजी, जुआ खेलना जो है वो गैरकानूनी है, इसलिए आपको प्ले स्टोर से महादेव ऐप को हटा लेना चाहिए। और साइबर सेल के कहने पर गूगल ऐप से महादेव ऐप हटा। आज की तारीख में किसी प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर महादेव ऐप नहीं है। तो तकनीकी रूप से जो बात केंद्र सरकार ने कही है कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं, दरअसल वो बैन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि वो बैन करने जा रहे हैं उसी दिन एक टीवी चैनल ने बाकायदा महादेव ऐप के से संपर्क किया और उनसे वो लिंक मिल गया जिससे वो, जिसके आधार पर वो जुआ खेल सकते थे, सट्टा लगा सकते थे। तो केंद्र सरकार की का यह दावा कि उन्होंने महादेव ऐप को बैन किया है एकदम झूठा है, कोई सिरा उसका नहीं है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच के बाद पाया कि ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं, ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले पता किया था। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने अन्य राज्यों के महानिदेशकों को चिट्ठी भी लिखी कि ये ऐसी एक सट्टेबाजी का खेल चल रहा है और इसको रोकना चाहिए, हम सब मिलके काम करेंगे तभी रोक पाएंगे क्योंकि ये मल्टी स्टेट मामला है, पूरे नेशन वाइड चल रहा है। और इसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार कह रहे हैं कि ऐप को रोक लगाने का अधिकार अब सिर्फ केंद्र सरकार को है क्योंकि ये किसी विदेशी धरती से चलता है और इसके जो संचालक हैं, जिसके मालिक हैं, उनको गिरफ्तार भी केंद्र सरकार करवा सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का अधिकार क्षेत्र जो है वो इस देश की सीमा के बाहर नहीं है। वैसे तो सिर्फ राज्य है पर दूसरे राज्य में अगर हो तो पुलिस जो है उस राज्य से सहयोग मांग सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने महादेव ऐप पर बार बार रोक लगाने की मांग की।
और आशंका भी ये जाहिर की कि इस पर रोक इसलिए नहीं लग रही है, संचालकों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महादेव ऐप के संचालकों से कोई साठ गांठ हो गई है। शायद उनको महादेव ऐप से चंदा मिलने लगा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा। लेकिन अब स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार के बूते महादेव ऐप को बंद करना नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, इस देश में लाखों लोग महादेव ऐप पर सट्टा खेल रहे होंगे। क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एपी के लिंक से आजकल महादेव ऐप पर सट्टा होता है, और वो टीवी चैनल ने उसका बाकायदा विजुअल भी दिखाया कि कैसे महादेव ऐप ऑपरेट करता है। अब ईडी की जांच की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी जो है आज तक धर्म को राजनीति से जोड़ते आई है। हर बार जब राजनीति करनी होती है तो धर्म को बीच में ले आती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा ने अपराध को राजनीति से जोड़ दिया है, और गृह मंत्री बनने के बाद जब अमित शाह गृह मंत्री बने उसके बाद से ये प्रक्रिया और तेज हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भरपूर होने लगा है और हर अपराध को राजनीति से जोड़कर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहने को तो ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही है, उसका जांच का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन घटनाक्रम से जाहिर है, जो अभी तक ईडी की जांच हुई है उससे जाहिर है कि ईडी की जांच कांग्रेस नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं, उन्हीं को घेरने, लपेटने और बदनाम करने की साजिश तक है। उन्होंने मेरे घर में छापा मारा ईडी ने, आप सब को ये जानकारी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उनके दो एसडी आशीष वर्मा जी और मनीष बंछोर जी के यहाँ छापा डाला, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा डाला, और विजय भाटिया जी के यहाँ जो छापा डाला वो बहुत अमानवीय परिस्थितियों में उन्होंने जांच की है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। कोई कितनी भी बड़ी एजेंसी हो, वो ऐसी परिस्थितियों में जाँच और छापेमारी नहीं करती, वैसी परिस्थितियों में उन्होंने की है। जब इन्हें कुछ नहीं मिला, मेरे यहाँ छापा मार के, ओएसडी के यहाँ छापा मार के, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा मारने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तो फिर एक नया कुचक्र शुरू हुआ। 3 नवंबर को उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसकी कार से और उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद किए, और उस व्यक्ति का कथित बयान है, इस बयान की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, इस बयान की पुष्टि आप में से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईडी की गिरफ्तारी में हुआ बयान है। उस बयान की परिस्थिति क्या थी ये हम सब नहीं जानते हैं, पर उसने कहा कि वो किसी बघेल के नाम से पैसे पहुंचाने आया है, और ईडी ने बहुत सुविधापूर्ण ढंग से भाजपा की सुविधा के लिए उसको भूपेश बघेल जी से जोड़ दिया। किसी बघेल के लिए लेके आया था, वो तो कोई भी बघेल हो सकता था, पर उन्होंने कहा कि ये भूपेश बघेल हैं, और फिर ये बयान जारी करवा दिया कि 508 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात थी, ये सब थी, और आखिरी में एक लाइन लिखते हैं, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। मतलब आरोप पूरा लगा दिया आपने, भाजपा को आपने एक चुनावी हथियार दे दिया और कहा कि अभी ये जांच का विषय है। अगर जांच का विषय है तो कोई जिम्मेदार एजेंसी किसी व्यक्ति की इस तरह की मानहानि कैसे कर सकती है। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई। उस प्रेस रिलीज में एक नाम आया पहली बार, शुभम सोनी का। बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं, महीनों की जांच के बाद ईडी ने चार्जशीट पेश की कोर्ट में, महादेव ऐप पे, और 8,500 का पेज का चार्जशीट है, पर उसकी जो समरी आई है, मैं 8,500 पेज तो नहीं पढ़ पाया हूं, पर जो उसकी समरी आई है 209 पेज की, उस समरी में शुभम सोनी का नाम नहीं है।